बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ करे होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल सामने कलेंद्रिया चौक नया नादवा फ्लाईओवर ब्रिज का, और यहाँ की हमने आपको इससे पहले भी अपडेट दी थी। यहाँ पर रोड कारपेटिंग का अमल हुआ था और दोनों तरफ जो है सर्विस रोड और रोड का काम हुआ था। अब इधर फाइनली रोड कारपेटिंग का अमल किया जा रहा है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम यहाँ की तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आज हफ्ते का दिन है और आज 11 नवंबर सन 2023 और हफ्ते का दिन है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम यहाँ की तमाम अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त मशीनें यहाँ मौजूद हैं और काम इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है। जामा मस्जिद खैरुल बशर और सामने नादाबाद का फ्लाई ओवर ब्रिज। और यहाँ से शिपोनर कॉलेज तक जो है, यानी कलंदरिया नया नादाबाद फ्लाई ओवर ब्रिज जो है, इसके नीचे ये कलंदरिया चौक कहलाता है, यहाँ से शिपोनर कॉलेज तक इसके रोड कारपेटिंग का फाइनल किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको उस तरफ की भी रोड की अपडेट दी थी, कारपेटिंग की सर्विस रोड की भी दी थी, इधर के भी सर्विस रोड की दी थी कारपेटिंग की। अब जो है यहाँ पर ये फाइनल काम किया जा रहा है, यानी फाइनल जो है रोड कारपेटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। शाहरा नूर जहाँ चलाती है ये रोड, नया नाजोबाद फ्लाई ओवर ब्रिज भी तेज़ी के साथ काम जारी है, और किसी दिन एक आध दिन में इंशाल्लाह ताला इसके ब्रिज के ऊपर चढ़ के आपको अपडेट देंगे कि जहाँ तक ये ब्रिज अभी तक बन चुका है। बरसाती नाला पहले ही तैयार किया जा चुका है जो कि अब्दुल्ला कॉलेज तक जा रहा है। लाइटें लगाई जा चुकी हैं। यानी कि ये तीसरी बार जो है रोड कारपेटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है कलंदरिया चौक से, और ये सीधा जाएगा 5 स्टार चौरंगी के लिए चौरंगी तक। दोस्तों अब हम बाइक के ऊपर बैठ के आपको जो है पूरा व्यू दिखाते हैं, कहां तक कारपेटिंग फाइनल जो है वो डाली जा चुकी है और कब तक ये काम मुकम्मल किया जाएगा। वैसे तो अब ये फाइनली जो कारपेटिंग है ये सीधी 5 स्टार चौरंगी तक जाएगी, तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त हम मौजूद हैं शिपोनर कॉलेज से थोड़ा आगे, और यहाँ तक जो है एक आधे से की जो लहर है ये आप देख सकते हैं ये डाली जा चुकी है, और जिस पर हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं इस पर काम होता हुआ आ रहा है। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ये फाइनल रोड कारपेटिंग है, और इससे पहले हम आपको अपडेट देते रहे थे दोनों अतराफ की रोड पर जो कारपेटिंग होती रही थी, दो मरतबा उसकी अपडेट आपके साथ शेयर की थी, फिर इस तरह सर्विस रोड दोनों तरफ उनकी भी आपको अपडेट दी थी। तो अब फाइनली तौर पर KDA ने जो है इस पर फाइनल रोड कारपेटिंग का अमल शुरू कर दिया है। उससे पहले दो मरतबा कारपेटिंग की गई थी, फिर ट्रैफिक के लिए इसको छोड़ दिया गया था, और अब फाइनल इसके ऊपर रोड कारपेटिंग का अमल किया जा रहा है। तो काम बड़े अच्छे अंदाज में और सॉलिड तरीके से काम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और जब शदीद बारिश होंगी तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि रोड ख़राब हो रहा हो या कुछ टूट रहा हो। अगर खुदा ना खास्ता जो भी सूरत हाल होगी ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम जो काम देखते आ रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, हम जो काम देखते आ रहे हैं वो इस कलंदरिया चौक से लेके 5 स्टार चौरंगी और पहाड़गंज तक हमने दिखाया भी है आपको ये तमाम काम कि कितने सही अंदाज में इस पर वर्किंग जारी है। ये शाहरा नूरजहाँ है
नॉर्थ नाजाबाद से लेके तलंदरिया तक। सामने सूरज पड़ रहा है, सामने सीधा शिफॉनर कॉलेज तक एक ये जो लहर है ये तो डाल चुकी है फाइनल कारपेटिंग, और दूसरी तरफ रह गया है मटेरियल। तो ये आपको अपडेट देनी थी, नया नादाबाद तलंदरिया चौक से शिफॉनर कॉलेज तक फाइनल रोड कारपेटिंग का अमल शुरू कर दिया गया। तो यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।